हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का असाइनमेंट 9 करेंगे, जो कि 17 अगस्त का है। इसमें हम सूक्ष्म जीव के हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे। पहला, खाद्य पदार्थों को खराब व दूषित करना, मानव और अन्य जातुओं में बीमारी करना, जैसे कि मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। तीसरा, कवक मतलब कीड़े, बैक्टीरिया, फंगस द्वारा चमड़े और कागज को दूषित करना, जलाशयों का विनाश करना, शैवालों का फैलना। एल्गी को शैवालों कहते हैं। जब पानी हरा हरा सा हो जाता है तो उसमें शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कई सारे एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। पौधों में बीमारी, जैसे नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट, इस तरह से। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा, अब हम इनके कुछ दुरुपयोग जानेंगे, इनके हानिकारक प्रभावों को जानेंगे। कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य, जंतु और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा तो कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों का फ्रस्ट फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज, चमड़ों की वस्तुओं को संदूषित करना आदि। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग, इन सब से फैलते हैं। अब क्वेश्चंस, सूक्ष्म जीव के कोई 3 हानिकारक प्रभाव। खाद्य पदार्थों को खराब कर देना, मानव और अन्य जानवरों में बीमारी का कारण, जल निकायों को नुकसान, ये 3 हम लिखेंगे। अब क्यों भोजन को ढककर रखना चाहिए? हमें भोजन को ढककर रखना चाहिए क्योंकि इससे हानिकारक रोगाणु खाद्य पदार्थों में प्रवेश नहीं करते, जिससे जो भोजन होता है वो संदूषित नहीं होता। रोगजनक क्या है, वे कैसे संचरित होते हैं? सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने वाले रोग रोगजनक कहलाते हैं। यह रोगजनक एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में विभिन्न माध्यमों से, जैसे दूषित रक्त, जल, वायु, मिट्टी, शारीरिक संपर्क और वेक्टर के माध्यम से प्रेषित करते हैं। चौथा, सूक्ष्म जीव से होने वाले कोई 2 रोगों के नाम, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड आदि सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग हैं। तो इस तरह से वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय।